बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 2 जो कि वेक्टर की एडिशन के मुतालिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2। स्टूडेंट, वेक्टर की एडिशन से पहले हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना जो ग्राफिकल था वो तो हमने सीख लिया लेक्चर 1 में, लेकिन अगर आप किसी पॉइंट को 2 डिमेंशन या 3 डिमेंशन में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक्चुअली हम यहाँ पर एक कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेते हैं। अब 2 डिमेंशन के लिए हम 2 लाइंस को आपस में इस तरह ड्रा करते हैं कि ये आपस में यूं परपेंडिकुलर हो। अब 2 डिमेंशन के अंदर जब हम 2 लाइनें यूं परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इससे जो सिस्टम बनता है इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको ओरिजिन बोलेंगे O, और यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर x को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर x को नेगेटिव, यहाँ पे y को पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव के समझ लेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, हम मसलन यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट को आपने लोकेट करना है तो x से डिस्टेंस a और y से डिस्टेंस b और यहाँ से एक वेक्टर जिसको हम पोजिशन वेक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो एंट्री टेस्ट के लिहाज से सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें जो एंगल है, जो कि हमेशा हम एंगल को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होगा। इवन दैट पॉइंट आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह अगर आप स्पेस के अंदर किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हो तो स्पेस के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 लाइंस कुछ इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स आ गया, ये पॉजिटिव वाई आ गया और ये इस तरह बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड आ गया। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ओरिजिन है जहाँ पे एक्स, वाई और जेड की वैल्यू 0, 0 है। स्पेस में सपोज कीजिए ये एक एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन स्पेस के अंदर, और हम इसकी पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं। इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक्स से डिस्टेंस, वाई से डिस्टेंस और जेड से डिस्टेंस ए बी सी हो जाएगा, और देन हम लोग एंगल यहाँ पर जब कंसिडर करेंगे तो एंगल के लिए एक्स से जो एंगल बनेगा इसको अल्फा, वाई से जो एंगल बनेगा इसको बीटा, और इसी तरह जेड से जो एंगल बनेगा इसको हम लोग गामा बोलेंगे। फिर यहाँ पर याद रखें कि हमारे पास स्पेस के अंदर 3 एंगल रिक्वायर्ड होते हैं जबकि हमारे पास प्लेन में 1 एंगल रिक्वायर्ड होता है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। यहाँ पर एंट्री टेस्ट के हवाले से हमारे पास बहुत ज्यादा दफा जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह भी आते हैं कि आपको 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, मसलन ये 2 पॉइंट्स हैं पी और क्यू। आप इसको कह लें कि ये अगर एक वेक्टर है इस तरह, इस पॉइंट को आप कह लें एक्स वन, वाई वन और जेड वन, और ये पॉइंट एक्स टू, वाई टू और जेड टू। अब इन पॉइंट्स के दरमियान हम लोग डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, या अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं उस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, इसके लिए एक्स टू माइनस एक्स वन आए आ जाए, फिर इसी तरह वाई टू माइनस वाई वन जी और जेड टू माइनस जेड वन ये आ जाए। इसी तरह डिस्टेंस जो है वो क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी तरह अगर डिस्टेंस निकालना हो तो इसी तरह डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसी की मैग्नीट्यूड ले लें, ये आ जाएगा आपके पास एक्स टू माइनस एक्स वन होल का स्केयर, वाई टू माइनस वाई वन होल का स्केयर, इसी तरह जेड टू माइनस जेड वन का, जेड टू माइनस जेड वन का स्केयर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको वैल्यूज दे सकता है न्यूमेरिकल शेप की सूरत में, और इनके दरमियान अगर डिस्प्लेसमेंट के तो आप इस रिलेशन को यूज करेंगे, और अगर डिस्टेंस के तो आप इस रिलेशन को यूज करते हुए इनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
स्टूडेंट एडिशन को करने के लिए हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर को एंट्री टेस्ट के हवाले से देखें तो याद रखें कि एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो हमेशा दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज या दो सिमिलर वेक्टर्स के दरमियान ही एडिशन पॉसिबल है। मसलन अगर आप यहाँ पर दो वेक्टर ए और बी को ऐड करता हुआ देखें तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्चुअली एक ही फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वेक्टर ए एक फोर्स है तो वेक्टर बी भी एक फोर्स है। और यहाँ पर याद रखें कि दो फोर्सेस को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगी वो भी फोर्स होगी, तो लिहाजा यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही अगर फोर्सेस हैं तो इनका ऐड करके जो आंसर आएगा रिजल्टेंट वो भी फोर्स होगा। और दूसरा ये कि हम लोग जब वेक्टर की एडिशन करते हैं तो वेक्टर की एडिशन का बेसिक मकसद ये होता है कि हम एक रिजल्टेंट वेक्टर को तलाश कर सकें। और एक्चुअली वो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जिसका कंबाइन इफेक्ट उन तमाम वेक्टर्स के बराबर होता है जिससे उसको हासिल किया जाता है। अब वेक्टर की एडिशन हम लोग दो तरीकों से सीखेंगे, एक ग्राफिकल मेथड है और एक इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेकिन इन दोनों में हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैसे निकाला जा सकता है, और यही एंट्री टेस्ट के हवाले से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर दो वेक्टर्स के दरमियान अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करें तो पहले मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि हम लोग जब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड के लिए फर्स्ट वेक्टर ए स्क्वायर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी हमें इस कॉस थीटा में मौजूद एंगल को डिफाइन करना है। एक्चुअली ये एंगल जो है ये दो वेक्टर्स के दरमियान जो टेल्स है उनके दरमियान स्मॉलर पॉसिबल एंगल है। मसलन हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर आपके पास ये बी है। अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एक तो ये एंगल है, दूसरा अगर आप देखें तो हमारे पास एक जो बाहर वाला एंगल है ये भी एक एंगल है। लेकिन हमने यहाँ पर जो एंगल कंसिडर करना है वो दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान जो स्मॉलर पॉसिबल एंगल है हम उसको कंसिडर करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर वो आपको कंफ्यूज करेगा इस एंगल को लेके। बस आपने ये याद रखना है कि ये एक्चुअली एंगल टू वेक्टर्स के दरमियान जो टेल्स हैं उनमें मौजूद स्मॉलर पॉसिबल एंगल है। अब यहाँ पर देखें आपके पास अगर हेड टू टेल रूल को समझे तो जल्दी से मैं रिवाइज करता जाऊँ। फर्स्ट वैक्टर के हेड को सेकेंड वैक्टर के टेल से कनेक्ट करेंगे और फाइनली हेड को हेड से और टेल को टेल से कनेक्ट कर देंगे और वो हमारे पास रिजल्टेंट वैक्टर होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर में याद रखें कि हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है, अगर कोई चीज़ वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को होल्ड करेगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें मौजूद कुछ एमसीक्यू से। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पॉसिबल एंगल है वो पॉसिबल एंगल कितना और कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होगा याद रखें, क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल जो कंसिडर कर रहे हैं वो दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान है स्मॉलर पॉसिबल एंगल। तो अगर आप इसको मैनेज करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक वेक्टर अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ए और इसी के ऊपर जो सेकेंड वेक्टर है वो हमारे पास सपोज करें ये बी है। अब इस वक्त एंगल इनके दरमियान 0 डिग्री। अब बी को आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करते रहे, यहाँ पे अगर आ जाए तो ये 90 हो जाएगा, इसी तरह बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो यहाँ पर आके इस वक्त ये जो एंगल होगा ये वेक्टर बी के साथ ये टोटल एंगल बन जाएगा 180। इसका मतलब ये कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो मैक्सिमम आंसर है वो 180 पॉसिबल है और कम से कम जो एंगल पॉसिबल है वो है 0। इट्स मीन डैट कि अगर मैं इसकी रेंज ऑफ एंगल बनाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है,
अब देखिए कम से कम जो है वो तो हो जाएगा 0, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा 180। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि इस रिलेशन में जो एंगल पुट कर रहे हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 180 डिग्री और कम से कम जो है वो 0 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन की हुई और उनसे जो रिजल्ट आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखें कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक 3 और एक 4 है। अब 3 प्लस 4 अगर पैरेलल में हो तो 3 प्लस 4 का आंसर आ जाएगा 7, और अगर 3 और 4 जो है वो एंटी पैरेलल में हो तो 4 माइनस 3 जो है वो आ जाएगा 1 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर आप दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम आएगा जो कि पैरेलल में, और अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन एक्ट करें तो इनका इम्पैक्ट आएगा मिनिमम जो कि एंटी पैरेलल में। अब इसके दरमियान अगर आप देखें 3 प्लस 4, यानी कि अगर यहाँ पर मैं इसको सिंपली ऐड करूँ तो आप कहेंगे 3 प्लस 4 जो है वो इसका आंसर आता है 7, और इसी तरह 4 माइनस 3 करें तो इसका आंसर आता है 1। अब 1 और 7 के दरमियान तमाम आंसर जो है वो पॉसिबल है। इसका मतलब है हम यहाँ पर जब स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर में 3 प्लस 4 सिंपल 7 होता है, लेकिन हम जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में 3 और 4 को ऐड करके आंसर, क्योंकि एंगल डिपेंडेंट होता है तो वो एंगल 1 से लेके 7 के दरमियान कोई भी हो सकता है। 1 और 7 के दरमियान 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आगे जाके एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन इसलिए ऐसे बनते हैं अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर 2 न्यूटन है, दूसरा भी 2 न्यूटन है, तो यहाँ पे 2 और 2 मिलके 4 आंसर आ जाए, ये मुमकिन भी और नहीं भी मुमकिन, क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान जब एडिशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एंगल का। अब अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा तो वो तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, और अगर एंगल हमारे पास 180 होगा तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। अब यहां पर 0 और 4 के दरमियान 2 भी आ सकता है, तो इट्स मीन डैट कि वेक्टर की जब आप बात करेंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 ये भी हो सकता है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ये भी हो सकता है, लेकिन किस सूरत में? वेक्टर्स की सूरत में, क्योंकि वेक्टर्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एंगल बहुत मैटर करता है, और एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है वो भी मैंने बताया, कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 180। अब यहाँ पर अगर आप इस रिलेशन में 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 1 हो जाएगा, और आपके पास ये a² + b² + 2ab ये हो जाएगा a + b² होल स्केयर, और ये कैंसिल होकर सिंपल a + b आ जाएगा। और यही अभी मैंने आपको इधर बताया कि यहाँ पर सिंपली हम अल्जेब्रिकली ऐड करेंगे अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जैसे 3 + 4 = 7। इसी तरह मुख्तलिफ एंगल्स की मैंने वैल्यू यहाँ पर निकाली हुई है। इसी तरह cos 60 पुट करेंगे, cos 60 1/2 आ जाएगा, और ये 2 2 से कैंसिल होके हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह 45 की सूरत में 1/√2 पुट करके सॉल्व कर लें, और इसी तरह 30 पर √3/2 करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में 2 इससे कैंसिल होके ये आ जाएगा, और 90 के ऊपर a² + b² आ जाएगा, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है वो है 180 इज आल्सो। अब देखें 180 के ऊपर हमारे पास जब cos 180 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपल a - b आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास 0 डिग्री पर देखें तो 0 डिग्री पर सिंपली वो a + b हो रहा था, और 180 के ऊपर क्या हो रहा है, a - b हो रहा है। तो मैक्सिमम फिर किस डिग्री पर हुआ? मैक्सिमम आएगा आपके पास आंसर 0 डिग्री पर, और मिनिमम आएगा 180 डिग्री पर। लेकिन बच्चों यहां पर हमारे लिए एक और एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो एंगल सोचे, वो एंगल हमारे पास 120 डिग्री। अब 120 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो 120 डिग्री एक ऐसा एंगल है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फोर्स है F1 और दूसरी फोर्स है F2, इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है और इसका जो रिजल्टेंट आता है वो भी सेम आता है। मतलब ये अगर 2 है, ये भी 2 है, और इसका रिजल्टेंट भी 2 आता है। देखिए सोचे जरा, आप किस एंगल पर 2 + 2 करें और जवाब 2 आ जाए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। देखिए 2 + 2 = 2 कैसे मुमकिन है? मिसाल के तौर पर आपके पास एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर हमारे पास F1 और सेकंड वेक्टर हमारे पास F2 है, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमारे पास F1। तो अब देखिए एक इक्विलेटर ट्रायंगल बन गई, और इस इक्विलेटर ट्रायंगल में F1 और F2 और उसका रिजल्टेंट F, ये तीनों सेम है।
अब यहाँ पर एंगल हमेशा आप ये देखें, ये हेड और टेल के दरमियान एंगल, और हेड और टेल के दरमियान इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 डिग्री, जबकि एंगल मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमने एंगल जो कंसिडर करना है वो बिटवीन द टेल्स कंसिडर करना, और टेल्स के दरमियान स्मॉलर पॉसिबल एंगल। तो इसको मैं आगे जाके कॉपी करता हूँ, अगर आप इसको आगे जाके कॉपी करें तो यहाँ पर ये बनता है F1। अब F1 और F2 में ये वाला एंगल एक्चुअली ये थीटा कहलाएगा। अब ये एंगल किस तरह 120 डिग्री है, अगर आप इस होल एंगल को देखें तो ये होल एंगल आपके पास है 180। अब इस 180 में से अगर हम लोग 60 माइनस कर दें तो ये आ जाता है 120। लिहाजा 120 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसके अंदर अगर हम ये वैल्यू 120 पुट करें तो हमारे पास F1, F2 और उसका जो रिजल्टेंट भी उसके बराबर आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर अब तीन एंगल जो कि एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत अहम है, एक 0 डिग्री, एक 180 डिग्री और एक 120 डिग्री, इन तीनों पे आपको पता होना चाहिए। 0 पर मैक्सिमम आंसर आता है, 120 पर हमारे पास एक्चुअली जो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उसका जो रिजल्टेंट आता है उसकी भी मैग्नीट्यूड उतनी ही आती है जितने के पहले उनके दो वेक्टर होते हैं। फिर 180 डिग्री जो है वो एंगल है जिसके ऊपर रिजल्टेंट हमारे पास मिनिमम आता है। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा, पास्ट पेपर में बहुत दफा आया हुआ है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि टू फोर्सेस, वन ऑफ 20 न्यूटन एंड अदर इज 10 न्यूटन, एक 20 न्यूटन फोर्स और एक 10 न्यूटन फोर्स है, एक्ट अपॉन अ बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आर अननोन। यहाँ पर हमें इनके दरमियान क्या एंगल है, उनकी क्या डायरेक्शन है, हमें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, बस हमें मैग्नीट्यूड्स का पता है, एक 20 और एक 10 है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो सकती है। अब यहाँ पर हम रिजल्टेंट फोर्स के बारे में दावा तभी कर सकते जब इनके दरमियान हमें एंगल पता होता है या डायरेक्शन का पता होता है। अब ना ही हमें एंगल का पता और ना ही डायरेक्शन का पता, तो यहां पर हम इसकी रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉरी ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद मतलब 20 प्लस 10 करेंगे आंसर आ जाएगा 30। इसी तरह फिर हम इनको माइनस करेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे, यानी कि पहले हम मैक्सिमम आंसर निकालेंगे इसका। तो स्टूडेंट मैक्सिमम आंसर आएगा इसका 20 प्लस 10, दैट इज 30, और मिनिमम पॉसिबल आंसर क्या आएगा, वो आएगा 20 माइनस 10, दैट इज 10 न्यूटन। तो इट्स मीन दैट के इन दो अननोन फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन हमें एक्चुअली नहीं पता, डायरेक्शन के लिहाज से अननोन है, तो इनका कम से कम आंसर 10 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकता है। अब कोई भी आंसर ऑप्शन में 10 और 30 के दरमियान जो है वो करेक्ट तस्वुर किया जाएगा, और कोई भी आंसर 10 से नीचे और 30 से ऊपर जो है वो कंसिडर ठीक नहीं होगा। अब पहली ऑप्शन देखें, नॉट लेस देन 10, ऑब्वियसली ये ठीक है कि 10 से नीचे नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 30 ये बात भी ठीक है, तो लिहाजा अल्फा हर लिहाज से ठीक है। लेकिन आगे ऑप्शन देखें तो मोर देन 25 न्यूटन, मोर देन 25 न्यूटन ऑलवेज नहीं है, लेस देन 25 न्यूटन भी पॉसिबल है। फिर इसी तरह 20 न्यूटन, मोर देन 20 न्यूटन ऑलवेज, ये बात भी गलत है क्योंकि इसका आंसर 20 से नीचे भी हो सकता है, लेस देन 10 न्यूटन ऑलवेज, ये बात भी गलत है क्योंकि इसका आंसर 10 या 10 से ऊपर हो सकता है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन अभी आपने किया एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था, और अभी आज के लेक्चर में जो आपने वेक्टर की एडिशन को एंट्री टेस्ट के हवाले से सीखा, होपफुल कि आपने तमाम कॉन्सेप्ट को इसमें अंडरस्टैंड किया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।